हेलो बच्चों, कैसे हो सारे? आज मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का ना सेकंड लेक्चर दे रहा हूँ। एक मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ। आज बिजनेस एनवायरनमेंट के ना हमने टाइप पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार दोबारा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऐसे फोर्सेस और ऐसे फैक्टर जो बिजनेस के बाहर होते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, उसको बिजनेस एनवायरमेंट बोलते हैं। तो बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूड ऑल फोर्सेस एंड फैक्टर विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड विच प्रोवाइड थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज टू द बिजनेस आल्सो। तो बिजनेस के लिए थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। देखो, ये आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट कि बिजनेस एनवायरमेंट कितनी तरह का होता है। तो बिजनेस एनवायरमेंट जो होता है वो कितनी तरह का होता है। एक होता है इंटरनल एनवायरमेंट और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो एक इंटरनल एनवायरमेंट है और एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। तो इंटरनल एनवायरमेंट में क्या होता है, देखो इंटरनल एनवायरमेंट में कंपनी की खुद की पॉलिसीज कैसी है, वर्क फोर्स कैसी रखी हुई है हमने, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, प्रोडक्शन मेथड्स कैसे हैं हमारे, टेक्निक का प्रोडक्शन कैसी है हमारी, तो ये हमारे कंट्रोल में होता है, कंट्रोलेबल होता है ये, ठीक है, ये कंट्रोलेबल होता है, इसको कंपनी कंट्रोल कर सकती है। एक होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट का मतलब आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के बाहर होता है ये, और बिजनेस के कंट्रोल से भी बाहर होता है, बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस के कंट्रोल से क्या होता है, बाहर होता है। तो देखो, एक्सटर्नल एनवायरमेंट दो तरह का होता है, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो एनवायरमेंट होता है जो डायरेक्टली और क्लोजली इंपैक्ट ए बिजनेस, जो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है बिजनेस को, जो सीधा से बिजनेस पे से डालता हो। और वो कौन से फैक्टर है जो बिजनेस पे सीधा से डालते हैं, बिजनेस के कस्टमर, बिजनेस के सप्लायर, ये सीधा असर डालते हैं बिजनेस पे ना। बिजनेस के सप्लायर हो गए, पब्लिक हो गई, कंपटीशन हो गया, कंपटीटर, कंपटीटर, पब्लिक, सप्लायर और कस्टमर, ये सीधा बिजनेस में डालते हैं। तो कस्टमर अगर मान लो कम ज़्यादा हो जाए तो बिजनेस में असर पड़ता है। अगर सप्लायर हमारा एक दो ही हो और हमारे बिजनेस पे असर ना डाले, बिजनेस पे यानी कि सप्लायर ना करे सामान, तो बिजनेस पे असर पड़ जाएगा। पब्लिक हो गई और कंपटीटर हो गया, अगर उसने कोई चीप और अच्छा बेस्ट प्रोडक्ट निकाल दिया तो हमारे बिजनेस पे असर पड़ जाएगा। तो ये माइक्रो इन्वायरमेंट में डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स आते हैं, और मैक्रो एनवायरनमेंट में जनरल एनवायरनमेंट आता है विच इफेक्ट ऑल द बिजनेस इक्वली, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, जीडीपी लेवल, ये सारे बिजनेस में जनरल एनवायरनमेंट की बात करता है मैक्रो एनवायरनमेंट। तो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है माइक्रो, माइक्रो मतलब जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, और मैक्रो मतलब जो जनरल होता है सारे बिजनेस पे से डालता है, ठीक है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हम पढ़ रहे थे इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल हो गया कंपनी के अंदर का माहौल कैसा है, और कंपनी के अंदर का माहौल अच्छा है उसको कंट्रोल कर सकती है कंपनी, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरमेंट बिजनेस के बाहर होता है, बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो एनवायरमेंट डायरेक्टली और क्लोजली इम्पैक्ट द बिजनेस, जबकि मैक्रो एनवायरमेंट क्या रहता है, इट इज जनरली एनवायरमेंट, जनरल एनवायरमेंट होता है विच इफेक्ट ऑल द बिजनेस इक्वली, जो सारे बिजनेस को इक्वली इफेक्ट करता है, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज, जीडीपी लेवल। अब हम पढ़ रहे हैं मैक्रो एनवायरमेंट कितने तरह का होता है। देखो, मैक्रो एनवायरमेंट भी बहुत तरह का होता है, जैसे कि सबसे पहले होता है इकोनॉमिक एनवायरमेंट, बाहर का माहौल, इकोनॉमिक एनवायरमेंट आ गया। इकोनॉमिक एनवायरमेंट मतलब इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, तो देश में इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, यानी कि जो होता है मिक्स इकोनॉमी है, तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं, अच्छा बैंक इंटरेस्ट रेट कैसा है, अगर बैंक इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए तो क्या होगा, बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए तो लोग लोन की डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, मार्केट में डिमांड का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चीज़ें कम खरीदेंगे, गाड़ियाँ कम बिकेंगी। अगर इंटरेस्ट रेट घटा दिया जाए तो लोग क्या करेंगे, पैसा उधार लेके नए नए बिजनेस खोलेंगे, डिमांड करेंगे चीज़ों की, इससे क्या होगा, मार्केट में बिजनेस बढ़ेगा, ग्रो करेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज कैसी हैं सरकार की, टैक्सेशन पॉलिसीज कैसी हैं, सरकार टैक्स में छूट दे रही है, टैक्स और इम्पोज करी जा रही है, नेशनल इनकम लेवल कैसा है, जीडीपी लेवल कैसा है, अगर देश में इनकम का लेवल बढ़ेगा तो डिमांड का लेवल बढ़ेगा, बिजनेस पे असर आएगा। तो
तो ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है जो सीधा पैसे से जुड़ा हुआ है, इनकम से जुड़ा हुआ है, बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तो ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बोलते हैं इसको। और एक होता है सोशल इन्वायरमेंट कि हमारे आसपास की सोसाइटी कैसी है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितना उनका ट्रेडिशन परंपराएं कैसी हैं, वैल्यूज कैसी हैं, क्या सोच रखते हैं, सोशल ट्रेंड्स कैसे हैं। जैसे इंडिया में देखो फिटनेस ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, लोग बड़े सारे जिम्स में जाते हैं, अपने हेल्थ के लिए ज़्यादा फिट वो हो गए, केयरफुल हो गए हैं। देखो ये फिटनेस ट्रेंड आ गया है देश के अंदर। और यानी कि जब होता है लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं तो थोड़ा सा और भी पुराने रीति रिवाज भी खत्म होते जा रहे हैं। तो ट्रेडिशन, वैल्यू, सोशल ट्रेंड्स, ये हमारे सोशल मूवमेंट है जो बिजनेस पे से डालते हैं, ठीक है ना। तो सोशल ट्रेंड जो से होते हैं बहुत जरूरी होते हैं। और यानी कि जो से होता है सोशल ट्रेंड्स अगर बदलते हैं तो हमें भी अपने बिजनेस को उसके हिसाब से बदलना पड़ता है। जैसे सोशल जस्टिस की बात की जाती है, इक्वालिटी की बात की जाती है लड़के लड़कियों में आजकल, हेल्थ और फिटनेस का क्रेज ज़्यादा हो गया है, और इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो ट्रेडिशन, वैल्यू, सोशल ट्रेंड्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कहते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, अब टेक्निक अब प्रोडक्शन कौन सी है, और स्पीड ऑफ टेक्निकल चेंजेस कितनी तेजी से बदल रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, स्पीड ऑफ टेक्निकल चेंजेस। अच्छा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। देखो ना, अगर आपकी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में टेक्निक बदल गई प्रोडक्शन की तो क्या होगा, प्रोडक्शन की अगर टेक्निक बदली तो क्या होगा। अगर प्रोडक्शन की टेक्निक बदली तो नची बात है हमें भी अपना सारा बिजनेस का तरीका बदलना पड़ेगा। और अगर बहुत तेज़ी से टेक्निक बदल रही है तो हमें उसके साथ पेस बना के चलनी पड़ेगी, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे ही देखो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी बहुत स्टडी करना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या देखते हैं, देखो पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं देश में, पॉलिटिकल स्टेबल है, स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी तो उसकी पॉलिसीज भी स्टेबल रहेंगी और बिजनेस भी स्टेबल रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट अगर बदलती रहेगी बार बार तो उसकी पॉलिसीज बदलती रहेंगी, और अगर पॉलिसीज बदलेंगी तो हमारे बिजनेस को बदलना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। पीस इन द कंट्री, देश में शांति है कि नहीं है, अगर पीसफुल एनवायरनमेंट होगा तो बिजनेस ग्रो करेगा, और अगर लड़ाई दंगे होते रहेंगे तो सबका बिजनेस सपोर्ट हो जाता है। देखो दिल्ली में दंगा हुआ तो जिस इलाके में दंगा हुआ तो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा बहुत ज़्यादा, अभी तक भी नॉर्मल नहीं हुआ। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड बिजनेस, बिजनेस का, बिजनेस के प्रति गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि बिजनेस बढ़े या घटे, कंट्रोल करना चाहती है। जैसे अब मोदी जी का प्रोग्राम है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, तो गवर्नमेंट चाहती है कि देश में ज़्यादा प्रोडक्शन हो। वो कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, अपने लोकल चीज़ों को बढ़ावा दो, विदेशी चीज़ों के पीछे मत भागो, उन्हीं को हम पॉपुलर करते जा रहे हैं, उनके ब्रांड्स पॉपुलर करते जा रहे हैं खरीद खरीद के। तो कहते हैं अपने लोकल ब्रांड्स को खरीदो, वो भी पॉपुलर हो जाएंगे एक दिन और वर्ल्ड ब्रांड बन जाएंगे, ऐसा करो। तो इस तरह से देखो वो एटीट्यूड उनका गवर्नमेंट का क्या है कि बनाओ खुद देश में प्रोडक्शन, करो आत्मनिर्भर बनो। अच्छा प्रोफाइल ऑफ लीडर, लीडर का प्रोफाइल कैसा है, लीडर कैसे है, उनकी आइडियोलॉजी कैसी है, ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है। अच्छा लीगल इन्वायरमेंट, कानून कैसे हैं, अगर मान लो ऐसे स्ट्रिक्ट कानून है, बड़े लीगल रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है बिजनेस पे तो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है बिजनेस पर, और बिजनेस में लेजिस फेयर कहते हैं, एक फ्री पॉलिसी है कि हाँ भी आप जो मर्जी बिजनेस कर सकते हो, गवर्नमेंट इफेक्ट नहीं करेगी आपको। तो एक्ट एंड लेजिस्लेशन, कानून कैसे हैं, एक्ट होता है कानून कैसे हैं, लेजिस्लेशन कैसी हैं, डिसीजन टेकन बाय कमीशंस, बड़ी सारी कमीशन बैठती हैं जो जजमेंट देती हैं, अपनी रिकमेंडेशन देती हैं सरकार को। तो हमारे देश में बैठने वाले जितने भी आयोग हैं, कमीशंस हैं, उन्होंने कैसी जजमेंट दे रखी है। अच्छा जजमेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट कैसी जजमेंट देता है, ये सब चीज़ें देखो लीगल इन्वायरमेंट में आती हैं। अगर बिजनेस के फेवर में सारा कुछ आ रहा है तो बिजनेस तरक्की करेगा, अगर बिजनेस के अगेंस्ट जाती हैं चीज़ें, कानून अगेंस्ट जाते हैं तो बिजनेस नुकसान होगा। तो ऐसे देखो ये पांच तरह का मैक्रो इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जिसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज, सोशल इन्वायरमेंट, ट्रेडिशन, वैल्यू, सोशल ट्रेंड्स आ गए, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आ गई, स्पीड ऑफ टेक्निकल चेंजेस आ गए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, पीस इन द कंट्री, एटीट्यूड क्या है गवर्नमेंट का बिजनेस के प्रति, नेताओं के जो लीडर्स हैं उनके प्रोफाइल, आइडियोलॉजी कैसी है। लीगल इन्वायरमेंट में एक्ट एंड लेजिस्लेशन देखे जाते हैं। अच्छा डिसीजन टेकन बाय कमीशंस, जितने भी कमीशन बैठे हैं और बैठे हैं हमारे देश के अंदर, उन्होंने कैसे डिसीजन दिए, जजमेंट क्या है कोर्ट्स की, तो ये सब चीज़ें देखो लीगल इन्वायरमेंट में आती हैं। तो आज हमने देखो पढ़ा टाइप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल कंपनी के अंदर है जो कंट्रोल हो सकता है, एक्सटर्नल कंपनी के बाहर है जो कंट्रोल नहीं हो सकता, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट जो होता है ना,
उसके बाद बढ़ाना था माइक्रो में, जो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है बिजनेस को, कस्टमर, सप्लायर, पब्लिक, कंपटीशन। और मैक्रो में क्या हो गया, इट इज जनरल एनवायरमेंट हो गया विच इफेक्ट ऑल द बिजनेस इक्वली, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज, जीडीपी लेवल। ये क्या है, ये यानी कि मैक्रो एनवायरमेंट है, ठीक है ना। और मैक्रो एनवायरमेंट के टाइप तो बता ही दिए मैंने, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरमेंट। तो ये आज का टॉपिक है, इसको जरूर देखना बच्चों, और शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना, ठीक है। और कमेंट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।